आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। बात मैं चाहता हूं कि आपको उस माहौल में लाऊं जिसके लिए आप आए हैं। हजरात, कभी मीर तकी मीर ने कहा था कि मुझको शायर न कहो कि मीर के साहब हमने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान हुआ। लेकिन मौजूदा शायर इसी बात को कुछ यूं कहता है कि आबला पा कोई इस दश्त से गुजरा होगा, वरना आबला पा कोई इस दश्त से गुजरा होगा, वरना आबला पा कोई इस दश्त से गुजरा होगा। लेकिन इसके बाद मैं ये चाहता हूं कि वो एक जहन हमारा था और दूसरी चला गया। मैं चाहता हूं कि एक नौजवान शायर से गुजारिश करूं, वो आपके सामने है, अरशद कमर साहब से मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा और उसके बाद ये सिलसिला चलेगा। अरशद कमर माइक। हाजरीन गिरामी, डाइस पर बैठे तमाम सीनियर शुरा इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दौना लालगंज की सरजमीन पर पहली बार मेरी हाजिरी, एक मतला चंद शेर हाजिर करता हूँ। असद आजमी साहब ने बहुत अच्छा माहौल बना दिया, हाजिर करता हूँ दोस्तों, बतौर खास मुलाहजा फरमाए। भाई माइक ऑपरेटर जरा सही को बढ़ा दी। शबनमी होठे कि शबनमी होठ किसे बात जो खुल जाते हैं, कि शबनमी होठ शबनमी होठ किसे बात जो खुल जाते हैं, कि शबनमी होठ शबनमी होठ किसी बात जो खुल जाते हैं उसके गुफ्तार से पत्थर भी पिघल जाते हैं, उसके गुफ्तार से पत्थर भी पिघल जाते हैं। शबनमी होठे शबनमी होठे किसी वक्त जो खुल जाते उसके गुफ्तार से पत्थर भी पिघल जाते हैं, उसके गुफ्तार से। और हाजरीन, बस थोड़ी सी तवज्जो का तालिब आपका। शादाब आजमी साहब, यादान अब्दुल्ला साहब चुरसंड की सरजमीन से, शाफात खान साहब इस मुशायरे को लाइव देख रहे हैं। हाजरीन मैं हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि सिर्फ एक जामे सिर्फ एक जाम अरे तेरे हाथ से पीने के लिए, सुन साकी तेरे सुन असद भाई बतौर खास थोड़ी सी तवज्जो का तालिब कि सिर्फ एक जामे तेरे हाथ से पीने के लिए, सिर्फ एक जामे सिर्फ एक जाम तेरे हाथ से पीने के लिए, सुन साकी तेरे दीवान मचल जाते हैं,
सुन साके तेरे दीवान मचल जाते हैं, सुन साके तेरे। और आरिफ सिद्दीकी साहब, पहली बार आपकी निजामत में पढ़ने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। ये भी शेर अहले डाइस की तवज्जो का तालिब, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि हम नहीं है वो, किसी खौफ से डर जाए जो, हम नहीं है वो, कि हम नहीं है वो, हम नहीं है वो, किसी खौफ से डर जाए जो। अरे हम तो वो हैं के, हम तो वो हैं के जो हालात बदल जाते हैं, हम तो वो हैं के। बहुत शुक्रिया। कि हम तो वो हैं के जो हालात बदल जाते हैं। हाजरीन, इस वक्त माइक मेरा साथ नहीं दे रहा, बस थोड़ी देर दोस्तों एक गजल के कुछ और शेर हाजिर करके मैं अपनी जगह लेता हूँ, हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि तिरगी रोशनी में बदलते हुए, तिरगी रोशनी में बदलते हुए, तिरगी रोशनी में बदलते हुए, सुबह देखा ये मंजर टहलते हुए, सुबह देखा मंजर टहलते हुए। बहुत शुक्रिया। इधर का मोहल्ला मैं देख रहा हूँ बेदार, बहुत शुक्रिया दोस्त आपकी मोहब्बतों को। इधर भी थोड़ी सी तवज्जो का तालिब। एक शेर में, बहुत शुक्रिया, एक शेर मैं अपने नौजवान भाइयों के हवाले से हाजिर करता हूँ कि देख लो चांद में बेजराईद का, देख लो चांद में बेजराईद का, देख लो चांद में बेजराईद का, अरे छत पे आ जाओ तुम बेटह लेते हुए, छत पे आ जाओ तुम बेटह लेते हुए, छत पे आ जाओ तुम बेटह लेते हुए। और हाजरीन, गजल का सबसे प्यारा शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास असद आजमी साहब। शादाब भाई, आपकी थोड़ी सी तवज्जो का तालिब बतौर खास। नसीम भाई मुलाहिजा फरमाएं, पढ़िए पढ़िए आप। कि क्या कहूँ उनकी या, सुनिएगा, कि क्या कहूँ उनकी या, दोने क्या कर दिया, क्या कहूँ उनकी या, दोने क्या कर दिया, क्या कहूँ ने किया, दोने क्या कर दिया, अरे रात गुजरी है करवट बदलते हुए, रात गुजरी है करवट बदलते हुए, क्या कहूँ ने किया, दोने क्या कर दिया, क्या कहूँ उनकी या, दोने क्या कर दिया, क्या कहूँ ने किया, दोने क्या कर दिया, रात गुजरी है करवट बदलते हुए, रात गुजरी है करवट बदलते हुए। और गजल का आखिरी शेर, मक्ते का शेर बतौर खास। दोस्त आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि चांद को रोज अर शद नए ढंग में,
चांद को रोज अरशद नए ढंग में, चांद को रोज अरशद नए ढंग में, हमने देखा है छत पर टहलते हुए, हम देखा है छत पर टहलते हुए।